24 फरवरी की दोपहर 12 बजे के करीब अचानक से अचलपुर के देवड़ी परिसर के सब्जी मंडी में भागदौड़ मच गई, जब एक सफेद रंग की कावरी और बौखलाई कुतिया जिसे देखो उस पर हमला बोलते काटते हुए नाखूनों से नखोड़ कर जानलेवा हमला करती चली आ रही थी। हमला भी इतना जिद्दी किस्म का था कि कई लोगों ने चिल्लाने पत्थर से हकालने का प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहा था। लोगों की काफी मशक्कत के बाद उस कुतिया को गांव के बाहर हकाला गया। इस हमले में देवड़ी परिसर के 8-10 लोग गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस कुतिया ने उन सभी पर जानलेवा जैसा हमला किया, जिसमें कई लोगों को दांत और नाखूनों के गहरे घाव लगे हैं। कुछ लोग तो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके, जिसमें खासकर कुछ बच्चों सहित बुजुर्ग व्यक्तियों का समावेश है। आज यहाँ पर हमारे सब्जी मंडी में महल के तरफ जिला लालजी खोलापुरी अनाय से उतर गए थे। कावरा कुत्ता उधर से आने के बाद उन्हें अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट में काटा, और उसके अलावा 3-4 बच्चे उनको भी काटा, स्कूल के बच्चे। तो उसके अंदर अगर प्रशासन इसका जवाबदार नहीं है, अगर कम ज़्यादा इसके पहले हमने एक कंप्लेंट लिखाए थे यहाँ पर कि ये कुत्तों के बारे में कुछ करो, पर प्रशासन उस पर कोई कुछ भी ख्याल नहीं दे रही है। और आज हमको सरकारी में से उनका ऐसा कहना है कि ये एक इंजेक्शन अमरावती जाके तुमको अर्जा लेना पड़ता, किसी के पास पैसे किसी के पास नहीं है, गोर गरीब बेचारे। तो इसका अगर से कोई बच्चे का अगर से जो स्कूल में जो बच्चे आए हुए इसका अगर कम जाता हो तो इसका जवाबदार प्रशासन नहीं। क्षेत्र के नागरिकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि स्थानीय नगर पालिका को आवारा पशुओं की आवारगी को लेकर निवेदन देने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए और न ही उठाए जा रहे हैं। तुरंत नगर पालिका प्रशासन ने इन आवारा पशु और जानवरों के लिए प्रभावी उपाय योजना करना बेहद जरूरी है। इस घटना में घायल हुए अन्य लोगों के साथ देवड़ी परिसर के हीरालाल खोलापुरे इन बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मात्र 7-8 वर्षीय आंशिका खोलापुरे नामक बच्ची घायल हुई है, जिन्हें उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद अमरावती भेजा गया है। अरे गांव के अंदर भी कुत्ते जो घूम रहे हैं, अब हमारे भाई को भी काटा, बच्ची को भी काटा और 2-4-5 जनों को और भी काटा, तो इसने कुछ ना कुछ कमेटी वालों ने करने को होना इसका। जय कुमार गिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज अचलपुर।